the length and breadth of a rectangle are increased by 20% and 10% respectively what is the percentage increase in the area of the rectangle fast बहुत बेहतरीन सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल है सॉल्व इट चलो 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 फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं ठीक है 32% सब बच्चे कह रहे हैं लेट्स सॉल्व इट तो क्योंकि परसेंटेज का सवाल है यू कैन टेक एनी वैल्यू नाउ ठीक है परसेंटेज के सवाल में तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं ठीक है तो आप क्या आप एक रेक्टेंगल ले लो और इस रेक्टेंगल की लेंथ और इस रेक्टेंगल की लेंथ ठीक है और विड्थ आप चाहो तो सेम भी ले सकते हो हंड्रेड और हंड्रेड भी ले सकते हो एज ए विश ठीक है आई एम टेकिंग हंड्रेड और फिफ्टी आप हंड्रेड हंड्रेड ले लोगे कि कैलकुलेशन और इजी हो जाएंगे ओके okay? चलो आई एम टेकिंग हंड्रेड एंड फिफ्टी तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हंड्रेड और फिफ्टी है ठीक है अब आपने क्या करा इस रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ाई रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ाओगे अगर आप ठीक है तो कितनी बढ़ाई आपने रेक्टेंगल की लेंथ ट्वेंटी परसेंट तो हंड्रेड का डायरेक्टली वन ट्वेंटी हो जाएगा मैंने कहा था कि बच्चे बच्चे स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं मैं इस तरीके से कहता हूं कि बच्चे अपना मुंह फाड़ सकते हैं फाड़ इन द सेंस कि डायरेक्टली दे के आंसर जब भी आप वैल्यू हंड्रेड लेते हो हंड्रेड में अगर आप फिफ्टीन परसेंट का इंक्रीमेंट करोगे इटवेल्वी हंड्रेड एंड फिफ्टी हंड्रेड में अगर आप फिफ्टी परसेंट का कर इंक्रीमेंट करोगे इट विल भी डायरेक्टली हंड्रेड एंड फिफ्टी इन द सेम वे दैट्स हैव टेकन द वैल्यू हंड्रेड आपने हंड्रेड में ट्वेंटी परसेंट बढ़ाया तो इट विल भी डायरेक्टली वन ट्वेंटी ठीक है तो मैंने डायरेक्टली सीधा मैंने मूव फाड़ दिया यहां पर ओके डायरेक्टली आईव रिटर्न यर फिफ्टी में अगर आप टेन परसेंट बढ़ाओगे क्योंकि ठीक है तो डायरेक्टली अब अब आपको पता ही है कि फिफ्टी का टेन परसेंट विल भी फाइव और फाइव ऐड करोगे इट विल भी फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो हाउ टू कैलकुलेट इट मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं फिर से कहूँगा जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे कोर्सेज को परचेज करें और वहाँ पर बहुत बेसिक से हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ाया है ठीक है यहाँ पर तो वी आर ऑल डूइंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन ये जो बेसिक फंडे हैं ये बच्चों के क्लियर होने चाहिए ठीक है और मुझे आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन हैं ये सीडीएस के हैं लास्ट ईयर के ठीक है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के क्वेश्चन हैं ये ओके okay. अच्छा तो अब अब आपको क्या बताना है वट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया मैं आपको वैल्यूज निकाल के दिखाता हूं कि अगर आपको लेंथ निकालनी है नई लेंथ पुरानी लेंथ 100 थी 20 परसेंट इंक्रीमेंट हुआ तो 120 ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल करा तो लेंथ कितनी आ गई वन उसी तरीके से जो विड़थ है जो विर्थ है इसकी ब्रेथ है वो कितनी थी पहली 50 थी 50 में 10 परसेंट बढ़ाया आपने 110 अपॉन हंड्रेड

ट्वेल्व इंटू फिफ्टी फाइव ना तो फिफ्टी फाइव इंटू ट्वेल्व विल बी हाउ मच फाइव टू 10 कैरी वन इंटू फिफ्टी फाइव तो दिस विल बी सिक्स सिक्स जीरो जीरो सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बस अब आप देखो ना एरिया कितना ज्यादा आया आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है एरिया कितना ज्यादा है ठीक है तो तो ये ओरिजिनल एरिया था एरिया बढ़ गया है ना एरिया बढ़ गया तो कौन सा फॉर्मुला लगाएंगे इंक्रीजिंग परसेंटेज मैं रेड से लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट इज द द फॉर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग परसेंटेज परसेंटेज इज इक्वल टू जब भी हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं उसकी वैल्यू लिखते हैं इंक्रीज वैल्यू अपॉन जब भी न्यूमरेटर में इंक्रीज वैल्यू तो डिनोमिनेटर में स्मॉलर वैल्यू और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इन टू हंड्रेड तो अच्छा इंक्रीज वैल्यू कितनी है पांच हजार से अगर छह हजार छह सौ हो रही है तो कितनी वैल्यू बढ़ गई एक हजार छह सौ बढ़ गई अपॉन अपॉन स्मॉलर वैल्यू दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कितनी है फाइव थाउजेंड इन टू हंड्रेड सॉल्व इट विल गेट द आंसर दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो वन अपॉन फाइव विल बी थर्टी ए इज द राइट आंसर